आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल। 20 साल पहले बाऊ जी ने कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन जीती रही। आज उसके दो प्यारे बच्चे हैं, उसकी जिंदगी और हंसी की चमक और बढ़ गई है। इस बीच बहुत कुछ 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 होता है। देवदास स्वदेश लौटकर चक दे इंडिया और ओम शांति ओम करता है। कहानी में एक मोड़ की तरह माई नेम इस खान कहता हुआ वो चेन्नई एक्सप्रेस पर सवार हो जाता है। इस समय हमारे स्टूडियो में दिलवाले, ये दोनों दिलवाले मौजूद हैं, काजोल और शाहरुख खान। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे। तो पहला सवाल शाहरुख, 20 साल में आपके लिए क्या क्या बदला? मतलब काम के तौर पे तो कुछ भी नहीं, वही करता हूँ जो मैं पिछले 20-22-25 सालों से करता आ रहा हूँ। सुबह उठकर जाता हूँ, सेट पे जाता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, लाइनें लर्न करता हूँ, और जैसा सबका काम है। हम लोगों का काम थोड़ा सा अलग होता है, हम सुबह मेकअप भी लगा लेते हैं मर्द होने के बावजूद भी। अदरवाइज़ वही करता हूँ जो हर कोई करता है, थोड़ा 9 से 6 लेकिन 9 बजे सुबह से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक। पर्सनल लाइफ में यहाँ 3 बच्चे हैं और बहुत खूबसूरत हैं, अलग अलग उम्र के हैं, सो उनके साथ बहुत सीखने को मिलता है, वक्त गुजारने को जब मिलता है तो अच्छा लगता है। बट ऐसा कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। सूट थोड़े बेहतर हो गए, गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन काम वही का वही। काजल, पर एक बात जो नहीं बदली, जो सब बता रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री नहीं बदली आपकी शाहरुख के साथ। आई होप नॉट। हमने बहुत कम पिक्चरें की हैं एक साथ। आई थिंक ये हमारी 7वीं पिक्चर है एक साथ, और ये 7 पिक्चरें एक्चुअली शाहरुख ने इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी तरह बोला है कि जब जोड़ियाँ बनती है तो जो है वो 10 पिक्चरें 5 साल में कर देंगे एक साथ, और हमने 7 पिक्चरें की है और उसको भी 20 साल लग गए करते करते। वी हैव डन वेरी टचवुड गुड फिल्म्स और बहुत ही रोमांटिक फिल्में की हैं, तो शायद इसके लिए एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन शायद उसकी वजह से लोगों ने एक ऑन स्क्रीन हिस्ट्री बना दी है हमारी। तो उन्हें पता है कि यहाँ से गए, यहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ तक गए, फिर यू नो एक K3G आई बीच में, तो एंड फिर उसके बाद माई नेम इज़ खान और अब दिलवाले आ रही है। तो इट्स आई थिंक इट्स एन ऑन स्क्रीन हिस्ट्री, और ऑन स्क्रीन वो कहानी अभी तक तो चल रही है। इनमें आपने क्या बदलाव देखे? दो बड़े बदलाव शाहरुख खान में 20 साल में क्या दिखाई दिए गए? एक बड़ा बदलाव है अब्राम। दूसरा बदलाव तो अब दाढ़ी आ गई। हाँ, दाढ़ी इज लुकिंग फैंटास्टिक ऑन हिम। आई थिंक जब हम दिलवाले की शूटिंग कर रहे थे तब आई थिंक व्हेन ही यूज्ड टू शेव एंड व्हेन ही यूज्ड टू गेट अ स्टबल एंड ऑल, ही लुक्ड लिटिल वियर्ड। हम लोग लगते तुझे अजीब लग रहे हो, दाढ़ी वाड़ी शेव कर लो, चिकने अच्छे लगते हो। जब भी इस तरह की जोड़ियां होती हैं तो उनके बारे में फिल्मी पत्रिकाओं में तरह तरह के किस्से छपने लग जाते हैं जो आपके बारे में कभी नहीं छपे। क्या है इस जोड़ी में जो इसको चलाता है, जो इसको ड्राइव करता है? आई थिंक हम दोनों में बड़ी नॉर्मल सी है, और जो लोग हैं बाहर से जब देखते हैं तो उन्हें लगता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये लोग जो हैं आम ही हैं यार। हमारी जोड़ी ना, हम कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं ना, हम बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हैं। काजल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गलत हो गया मैं कहूँगा, लेकिन यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मगर हमारे में कुछ बनावटी नहीं है शायद, या हम जब साथ में काम करते हैं तो जो थोड़ी बहुत बनावटीनेस आ जाती है फिल्मों की वजह से या ग्लैमर वर्ल्ड की वजह से, वो दिखती नहीं। हम दोनों को खुद एक्चुअली नहीं मालूम है, इल्म नहीं है कि हम दोनों इतने लोगों को पसंद क्यों आते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत एक्चुअली उन लोगों की जिन्होंने हमको देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में, हमारी शक्ल में, हमारे रोल्स में उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। आप जैसा कह रहे हैं कोई कहानियाँ नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो आई थिंक वो दौर भी थोड़ा अलग था जहाँ पे लोग काम करते थे, खुशगवार थे, अच्छाई से हम काम करते थे। मैं इनको 17-18 साल की उम्र से जानता हूँ, तब बातें भी इतनी नहीं होती थी, तो अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी होगा तो किसी को मालूम नहीं। ये टिपिकल शाहरुख खान जवाब है, मतलब आखिरी लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। आपको याद है जब आपने पहली बार इनको देखा? याद है मुझे। अच्छा, एक्चुअली पार्टी में देखा कि नहीं? पार्टी में नहीं देखा मैंने, मैं उनको पहले दिन सेट पे ही मिली थी।
अच्छा, तो हाँ बाजीगर की शूटिंग थी, आई थिंक हम 1 जनवरी को शूटिंग कर रहे थे क्योंकि इनको शौक है पहली जनवरी को शूट कर रहे थे। 31 की जो पार्टी होती है वो तो अगले दिन तक चलती रहती होगी। चलती है और मैं पार्टी से सीधा काम पे आ जाता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 1 तारीख को जो काम करता है सारा साल काम मिलता है। अच्छा, वो मैं मजदूर क्लास वाला हूँ तो मुझे काम की बहुत जरूरत थी हमेशा। तो आपने इनको 1 तारीख? हाँ बिल्कुल, और मैं तो पीती नहीं हूँ, आई डोंट ड्रिंक, कुछ नहीं करती हूँ। इट डजंट मीन आई डू। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम। आई एम ट्राइंग टू बी कंपैशनेट। लेकिन ये तो एकदम पियक्कड़ देवदास। 31 की रात को ऑब्वियसली विल गो आउट, यू विल पार्टी व्हाटएवर, बट लेकिन मैं ऑब्वियसली 7 बजे सुबह मैं आई वहाँ पे सेट पे, या 10 बजे जो भी है, और मैं I was very energetic and मैं ज़्यादातर बोलती भी हूँ तो मेरी आवाज़ काजोल चिड़िया है, सुबह जो है बहुत चहकती है। I don't not okay sorry that's not chirp is not a word। बहुत ऊंचा बोलती है, चिड़िया नहीं है, चील है। बहुत बहुत ऊंची आवाज़ में, actually she's like a peacock। क्याँ कीकू क्याँ कीकू इतने करती है, और हम लोग बहुत थके हुए थे सबके सब, और हमारे जो कैमरामैन थे वो अरेस्ट भी हो गए थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था रात को, तो सब ऐसे थे कि यार आराम से कोई शूटिंग करे, एंड द ओनली नॉइज जो सारी आवाज़ थी इन्हीं की थी, ऐसा चिल्ला रही थी, और काजल ऊंचा बोलती है, और मुझे रियली माइक की जरूरत नहीं, मतलब पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो सकती हैं टेलीविजन पे, इतना ऊंचा बोलती हैं। हाँ, आपकी तरफ या नेता हो सकती है। मैं नेता हो सकता हूं। लेकिन तो मैं ऐसा बोल रहा था अपने मेकअप दादा को, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और मराठी में बात कर रही थी, ये भी उनके बहुत दोस्त, उनकी मम्मी को जानते थे, तो ये मैं इनको बोल रहा था, अरे कैसी है यार ये एक्ट्रेस, इतना बोल रही है यार, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, और ये उनको बोल रही थी कि ऐसा खड़ूस एक्टर है। अच्छा, तो बात ही नहीं करता यार, कुछ नहीं करता, 2 घंटे से बैठा है, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बस ऐसे खड़ूस की तरह बैठा हुआ है कुर्सी पे, और ये उनकी तरफ देखे बोल रहे थे, किसी को इसको इसको बंद कराओ, इसका म्यूट बटन नहीं है, इसका वॉल्यूम बटन नहीं है कहीं। 25 साल हो गए आपको, 50 साल के आप हो गए जी, 25 साल, और अगर आप हिंदुस्तान की आबादी देखें तो 50% हिंदुस्तानी जो हैं उनकी उम्र 25 साल से कम की है। जी हाँ, यानी जब आपने काम शुरू किया तो वो पैदा ही पैदा हुए थे। कैसे आप जोड़ते हैं, क्या ये आपको एक वो चीज़ लगती है कि भाई अब नए लोगों के लिए फिल्म बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देशों में एक है। हाँ, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आफ्टर युगांडा वो लोग हमसे थोड़े से जवान। जी, हमसे ज़्यादा जवान होना तो बल एकदम बचपना ही है, इतने जवान हो चुके हैं इंडिया में सब। 65% 35 साल से कम है। या 65% क्वाइट अमेजिंग। तो जब मैंने काम शुरू किया था तो मोस्टली 10 साल के थे, या पैदा ही नहीं हुए थे, या उनके माँ बाप दिलवाले देखकर सोच रहे थे कि बच्चे पैदा करें। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, कितने बच्चे पैदा करवाए आपने? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमने जो है शादी दिलवाले देखकर की है, तो जितने भी वहाँ पे इस वक्त 25 साल के नौजवान, कहीं ना कहीं पर हम दोनों का हाथ आपकी पैदाइश में जरूर है। आपके मम्मी डैडी गाना गाते थे, मेरे ख्वाबों में जो आए चुन्नू मुन्नू टिन्नू बिट्टू पिंकी, तो मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं एक्चुअली नोट करता रहता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं अवेयर रहता हूँ, आप लोगों को टीवी पे देखता हूँ, रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। फिल्म की जो कहानियाँ होती हैं, किसी भी कहानी एक होती है, भाषाएँ बदल जाती हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है, सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उसको इनोवेट करता रहूँ। अब हम प्रोड्यूसर भी बन गए हैं तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कोशिश करता हूँ, और फिर नए डायरेक्टर्स हैं, नए राइटर्स हैं, उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट रहे हमारा जो स्टोरी टेलिंग है। और आई थिंक मेन चीज़ें दो ही होती हैं कि मेहनत से काम करो और पैशन से अगर करो तो स्टोरी टेलिंग इररेलेवेंट नहीं होती। एंड कहीं ना कहीं पर हमने जो फिल्में की हैं वो थोड़ी सी रोमांटिक थी, प्यार जो है आई थिंक किसी भी भाषा में और एवरग्रीन ही रहता है, तो उसको इट डजंट बिकम इररेलेवेंट टू मच। कोई ऐसा डर है जो आपका तब हुआ करता था 20 साल पहले, अब वो बदल गया है, अब कुछ और डर? एक ही डर है ज़िंदगी के अंदर, मैं बोलता हूँ लोग मानते नहीं, वो है, और बड़ा अजीब बात है, बड़ी आयरनी है ये, जब मैं छोटा सा था और शोले की वजह से नहीं, ऐसे ही पता नहीं मुझे क्यों ऐसा है कि मैं अगर अपने हाथ फैलाऊंगा तो कोई मेरे हाथ काट देगा, और 25 साल हो गए और ज़िंदगी में जहाँ जाता हूँ कहते हाथ फैला के दिखाओ, हाथ फैला के दिखाओ, और ये मेरा जेन्युइन डर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा आई डोंट नो व्हाई आई फील, मुझे ना नाइटमेयर आते हैं, ना बुरे ड्रीम आते हैं, ना ख्याल आते हैं ख़राब, लेकिन मुझको अगर अभी बैठे मुझे बोले यार हाथ करो तो मुझे ऐसा लगता है मैं हाथ फैलाऊंगा तो कोई हाथ काट देगा मेरे, नहीं यहाँ से, नहीं यहाँ से, बगल से, एंड मैं ज़िंदगी में मेरा तो पूरा प्रोफेशन ही बन गया कि मैं यूँ करता रहता हूँ, तो थोड़ी आयरनी है, और कोई भी डर नहीं है मुझे। जी, आप कोशिश करें इनका हाथ काटने की, वैसे ही डर है उनको ये। आपको कोई डर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है या जिसके बारे में आप डरती हों?
आई वुडंट से डर बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है उसके लिए. आई थिंक डाउट्स आते हैं ज़रूर, फीलिंग्स आती है. आई फील समटाइम्स दैट यू नो, जैसे कहते हैं कि औरत होने के हिसाब से बहुत सारे रोल्स में आपको माहिर होना पड़ता है. यू हैव टू बी अ गुड वाइफ, यू हैव टू बी अ गुड मदर, यू हैव टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ, यू हैव टू बी अ गुड डॉटर. तो हाँ, ये डाउट ज़रूर आते हैं कि कभी कभी एक करते करते बाकी सब में आप यू नो कम पड़ जाते हो. तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे बच्चे घर पे हैं, यू नो माय मदर इन लॉ इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, मेरी सास की तबीयत ख़राब है आज. तो हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, दैट आई फील दैट गिल्ट, दैट प्रेशर के यू नो शायद मैं सब कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ. तो हाँ, वो है उसमें मुझमें. आप जाते हैं और मैं कॉकरोचेस से बहुत डरती हूँ आज तक. अभी आप शाहरुख खान हैं, सुपरस्टार हैं, ये स्टारडम जाएगा कभी, कोई ऐसा भाव आता है या इस बारे में आप सोचते हैं? अब तो आदत सी पड़ गई है स्टार होने की. 25 साल हो गए, अब तो नहीं लगता, ना खौफ लगता है ना डर लगता है अब. और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छी और सभी कामयाब हुई जी. खुदा ने, भगवान ने बहुत दिया है. तो कोई डर नहीं है मुझको, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात ये भी है कि मैं जब दिल्ली से निकल कर गया था तो ना माँ बाप थे, ना कोई घर वाले थे. एक बहन थी जिसकी तबीयत ख़राब थी और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुंबई में कैसे काम करना है. मुझे फिल्मों का सिस्टम भी नहीं मालूम था और पता भी नहीं चला है. ये 25 साल ऐसे निकल गए आँख पलकते ही और सब अच्छा ही हुआ है. 1500 रुपये लेकर गया था, मेरे बैंक में थे. आई थिंक फौजी की जो तनख्वाह थी वो थी मेरे पास. और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे वो 1500 रुपये भी अब वापस ले लें तो जो 25 सालों में मुझे मिला है और जो मुझे दिया गया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता. तो आपने कहा कि आपके माँ बाप तब नहीं थे, तो ये एक कहीं कभी आप अकेले बैठते हैं कोने में लगता है कि इतना तो मैंने कर लिया, काश मेरे पिताजी देख रहे होते या माँ देख रही होती इसको? हाँ, कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है मुझको. अभी मैं यहीं जब आ रहा था, 1.5-2 घंटा पहले मैं ड्राइव कर रहा था होटल से, तो थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि दिल्ली आता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती. और फिर मैं जाके उनके मज़ार पे, उनकी जहाँ पे कब्र है वहाँ पे दुआ भी पढ़ के आता हूँ रात को, लेट नाइट जाके. तो हाँ, क्योंकि मुझे याद है मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं दिलीप कुमार जी जैसा लगता हूँ. हाँ. लेकिन हर माँ को ऐसा ही लगता है उस ज़माने की. मेरी उम्मीद है इस ज़माने की हर माँ को लगता है उनका बेटा शाहरुख खान लगता है. ऐसा लगता है बिल्कुल. आई थिंक दैट और जैसे आप स्टारडम की बात कर रहे थे, आई थिंक शाहरुख जैसे कह रहे थे, बिल्कुल आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम कि उनकी उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया है जहाँ पे, जहाँ से वो अभी उतर नहीं सकते. I mean, he will go down in history as Shahrukh Khan, always and forever. Thank you. That's very sweet, yeah. जी मिहिर पूछे. पिछले साल की ही फिल्म है वरुण की, जो आपके साथ काम भी कर रहे हैं दिलवाले में, हम्प्टी शर्मा की धुलनिया, जो DDLJ को एक तरह से ट्रिब्यूट भी देती है. तो आप DDLJ में शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको अपनी पसंद का लड़का चाहिए था शादी के लिए. उसमें नायिका शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनको अपनी पसंद का लहंगा चाहिए शादी करने के लिए. तो मतलब ये एक एग्जांपल है. तो आप 20 साल की इस जर्नी में कैसे देते हैं, सिनेमा के पर्दे पे रोमांस कैसे बदला है, क्या नई चीज़ें आई हैं? आई थिंक जो एसेंस है वो सेम रहता है, लेकिन आई थिंक 20 सालों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर, टंग इन चीक, थोड़ा सा मजाक या थोड़ा सा तंजिया स्टाइल से हम ज़रूर अब फिल्में बनाने लगे हैं, जो बहुत अच्छा है, जो बहुत खूबसूरत है. थिएटर में पहले हुआ करता था, आई थिंक टेलीविज़न के कुछ प्रोग्राम्स में हुआ करता था. कहानी और किस्सों में तो हमारे कल्चर में ही है, बट आई थिंक फिल्मों में ये आ गया है. तो आई थिंक जो जवान पीढ़ी है और जो ऑडियंस है उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है. जो वो लहंगा भी कह रही हैं तो द लॉजिक यही है कि लड़की की मर्ज़ी सबसे पहले है कि वो क्या करना चाहती है. पहेली के अंदर वो शादीशुदा हैं और बहुत पुरानी कहानी है पहेली जिसके बेस थी जी, तो उसमें उस ज़माने में लिखा गया था कि हो सकता है औरत को जो अपना जो पार्टनर है इतना अच्छा नहीं लगता, उनके पास चॉइस होनी चाहिए. दिलवाले के अंदर उसी बात को हमने 20 साल पहले दर्शाया कि यार वो शादी तब करना चाहती हैं जब लड़का उनकी पसंद का हो. और आपने जैसे बोला हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उसके अंदर ये है कि लड़की को लहंगा पसंद नहीं. इट्स एक्चुअली वो मोटिव है, वो कोई ये नहीं है कि प्यार की परिभाषा जो है बड़ी अभी सिली हो गई है कि यार लहंगे के लिए, ऐसा नहीं है. आई थिंक वो मोटिव है कि औरत की जो पसंद है, औरत की जो जो दिल में चाह है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए. और अगर आप मुझसे पूछें एज अ रोमांटिक हीरो और इवन जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, वो लाजमी है, वो सही है और यहीं पर नहीं, आई थिंक दुनिया भर में ऐसा होना चाहिए. और मेरी हर फिल्म में मैंने कोशिश की है कि यार औरत की जो है मांग हमेशा पहले हो
और दूसरी बात जो मैंने कोशिश की है, मजाक से नहीं कह रहा हूँ, हर औरत की मांग मैं ही हूँ तो बेहतर है। अभी लगता है कि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं ये। बिल्कुल, हमेशा लगता है। इनफैक्ट मैं उनके साथ बैठ के मैं जितना भी वक्त हम लोगों ने सेट पे बिताया है एक साथ, मैं बैठ के बहुत मजा आता है उनसे बात करने में, क्योंकि किसी भी सवाल पे उनके पास या तो जवाब है, इन्फॉर्मेशन है, और अगर नहीं है तो विकिपीडिया है। तो ये दिल्ली वालों की खासियत है ये। अब ये पता नहीं कहाँ की खासियत है, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बॉम्बे में रह रहे के बहुत देख लो, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, रीजनलिज्म पे प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर मेरी कोई और पिक्चर बैन कर देगा, तो मैं इस बारे में बात कर लिया। ठीक है ठीक है, उस गली में नहीं जाता। एक क्लिप है, इसको देखते हैं। देखिए, I honestly think that I'm probably the only one who can do this. Coochie, coochie, go! I have to have some entertainment at least. See, अब मैं तुम्हें देखो, okay, देखो, अभी देखो, मैं इसके साथ सीन करता हूँ, देखो हम कितना seriously करते हैं। प्यार करती हो मुझसे? You're a twink! भरोसा है मुझ पे? No! तो बस डोली उठने की देर है। Okay! एंड जेन्युइनली जब हम सीन करते हैं ऐसे ही करती है वहां पे, और हम इसको अवॉइड करके मेरे शॉट पे लेते रहते हैं। और वाकई में ऐसा होता है, करके दिखाया आपको, आपने देख तो लिया। बड़ी है काजल, काजल बहुत रियल ऑनेस्ट और बहुत दिल से प्यारी हैं और हर तरह से खुशगवार है, और इन्होंने कभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि काम को सीरियसली नहीं लेती, she wants everything she does to look the best, लेकिन मजाक करती रहती है, हंसती रहती है, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, और मेरे साथ हम शायद हमारी दोस्ती इतनी है कि मेरे मुंह पे ही हंस देती हैं। एक दो सीन बहुत ऐसा कहता हुआ अजीब लगता है, बड़े सारे लेगेसी वाले सीन हैं जो हमने किए हैं जिसमें ये बिल्कुल ऐसे ही हंस रही। अच्छा। लेकिन वो बहुत फनी थे भी। और तो कोई फनी नहीं था, डायरेक्टर भी, आदि चोपड़ा भी खड़े हैं, यश चोपड़ा जी भी खड़े हुए हैं, और ये हंस रही हैं, और वो सीन करता हुआ मैं पीछे जा रहा हूँ, और बड़ा सीरियस सा सीन है। ये मुझसे दिलवाले में पूछती हैं एक सीन के अंदर कि तुम मेरी शादी पे आओगे, तो मैंने डायरेक्टर को बोला यार मैं लाइन वाइन नहीं बोलूंगा, मैं सीन कुछ अलग करना चाहता हूँ, और वो सीन में मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ मैं नहीं आऊँगा, तो मैं कहा मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। सीन में ऐसा था कि हाँ मैं आऊँगा, लेकिन आंखों में आंसू, होंठों में मुस्कान टाइप सीन था, मैं कहा यार ये बड़ा नॉर्मल सा लगता है, मैं कुछ और करूँगा। तो जैसे ही मैंने किया तो ये हंस रही है उस सीन के अंदर, ऐसे ही हंस रही है, हा 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 हा, और मैं वो करता, एक ही शॉट है वो सीन का, और दिलवाले में बहुत खूबसूरत सीन है मुझे लगता है। और हमने ट्रेन स्टेशन पे शूटिंग की थी, और ट्रेन पे भागना था, दो घंटे में निकलना है, जल्दी करना है, कैमरा, मैं वो सीन करके जाता जा रहा हूँ, मैं रोता भी जा रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, और मैं जा रहा हूँ और ये हंसती रही है थ्रू आउट द सीन। और आदि और यश जी भी बोल रहे हैं यार क्या भाई यार लिखू तो यार, इतने परेशान हो गए थे, बहुत सारे सीन हमने ऐसे किए। पर इधर जो आपकी कुछ फिल्में आई हैं, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, उसमें हम आपकी पुरानी फिल्मों के सीन भी देखते हैं। Actually, ऐसा लगता है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं वही हूँ, या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि ये देखिए मज़ेदार सीन है, इसको ध्यान में रखिए। ऑब्सेशन है, सेल्फ ऑब्सेशन है, या एक्चुअली सच अगर आप पूछ रहे हो, मैं नार्सिसिस्टिक हूँ, तो मेरे मुकाम पर पहुँच कर अगर नार्सिसिस्टिक ना हो तो फिर, और मुझे कोई मिला ही नहीं मुझसे ज़्यादा बेहतर प्यार करने वाला है। मैं सुबह उठकर अपने आप को किस करता हूँ, एक दो बार तो सोचा खुद ही के साथ बच्चे भी कर लो। But to be honest, नहीं सच्चाई तो ये, और अजीब बात है कि तीनों बच्चे उसकी तरह ही लगते हैं। हम अफ्रोडाइट हो जाऊंगा मैं थोड़े दिन के अंदर। बट ऑनेस्ट ट्रूथ मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली अभी जो नई पीढ़ी डायरेक्टर्स की आ रही है, और मैं काफी लोगों के साथ काम कर, जैसे मनीष शर्मा हैं दिल्ली के, उनसे पहले रोहित जी हैं, कहीं ना कहीं पर सबको जो कुछ फिल्में हैं जैसे दिलवाले है उसको मैं नकार नहीं सकता। अब जैसे मैं जब अम्मी जी से मिलता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन अम्मी जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो, ज़रूर देखते होंगे मुझे मालूम है, कि वो कहीं ना कहीं सुन ले, मेरा बड़ा दिल करता है अरे अम्मी जी के साथ बैठा हूँ और बोल दें रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बड़ा दिल करता है कि एक बार बोल दें मेरे सामने यार, कि यार मज़ा आ जाएगा एक बोलने, तो ऑब्वियसली मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी उनसे बोलने के लिए। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में रह जाती हैं, और ये मेरी वजह से नहीं, शायद दिल वाले रोहित के जहन में है। तो मुझे याद है जब हम चेन्नई कर रहे थे तो उन्होंने सीन बताया कि यार वो लड़की भाग रही है, और पहली बार जब बताया फिर तुम अपना हाथ करते हो तो लड़की हाथ में है, तो मैं कहा यार ये तो वही हुआ, सुनिए तो, उसके बाद फिर एक और आदमी पीछे भाग रहा है मोटा सा, और फिर आप हाथ करते हो वो आ जाता, फिर एक और भाग रहा है पीछे से। सो समवेयर डाउन द लाइन ऑल ऑफ देम हैव, अच्छी फिल्म थी, खूबसूरत फिल्म थी, तो कभी कभार लोग जो है उन फिल्मों से मौके या चीज़ें उठा लेते हैं और
आई थिंक इट्स ऑल राइट कि मैं अपने ही काम का, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मजाक उड़ा सकूँ, मैं मजाक उड़ा सकता हूँ, मैं अपने आप पर हंस सकता हूँ. आई थिंक वो नेचर जो मेरी है वो कई लोग मुझे मना भी करते हैं कि नहीं यार तुम बड़े इंपॉर्टेंट हो. मुझे नहीं लगता कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ या सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपने काम का मजाक उड़ा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, बिकॉज मुझे फेथ है कि अगर मैं दिलवाले दुल्हनिया का मजाक उड़ाता हूँ तो जो दिलवाले दुल्हनिया की इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होगी, शायद बढ़े भी ना, ना मेरी बढ़े ना काजोल की बढ़े, वो अपने मुकाम पर ही रहेगी. ये बड़ी बात है क्योंकि आजकल लोगों ने हंसना भी छोड़ दिया, बड़ा सीरियस लेते हैं लोग अपने आप को बहुत ज्यादा यार. हाँ, और इसमें आप कुछ भी बोलते रहते हैं और मुश्किलें आपको आती रहती हैं, पर उस गली में नहीं, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली, ये नहीं, हम एक दूसरे को सीरियसली, हाँ बेस्ट बात ये. शाहरुख, आपने शुरुआत से एक सुपरस्टार के तौर पर सबसे ज़्यादा रिस्क लिए हैं, चाहे शुरुआत में डर बाजीगर रही हो या फिर फिल्में प्रोड्यूस की पहेली और अशोका जैसी फिल्में. अब जिस जोन में आप हैं, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो या दिलवाले या हैप्पी न्यू ईयर, वो कुछ सेफ फिल्में हैं, वो रिस्क टेकिंग वाला एलिमेंट कुछ कम कर दिया है, इसके पीछे कुछ खास सोच है? नहीं, कम नहीं किया है. एक्चुअली जब हमने शुरुआत की थी कंपनी की, फिर भी दिल हिंदुस्तानी जो जर्नलिज्म पे थी वो सारे जर्नलिस्ट को बहुत ख़राब लगी थी और चली नहीं थी बिल्कुल भी. मुझे एक जर्नलिस्ट ने तो आके बोला, कौन कौन सा जर्नलिस्ट ऐसा कान के अंदर डायमंड पहनता है, हमारे को पैसे नहीं मिलते यहाँ पे, तुम डायमंड पहन के घूम रहे हो उसके अंदर. तो मैंने कहा भी तो नकली है साहब, नकली है वो, बड़ा गुस्सा हो गया थे वो. तो हमने फिल्में बनाई जो नहीं चली, और फिर भी कुछ लड़के झगड़ के कोशिश करके हमने, प्रोडक्शन थोड़ा महंगा गेम है और मुश्किल पड़ती है अगर एक्टर रहो तो. हम एकदम एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि नाम लगाते हैं. हमारे पास 200-250 लोग काम करते हैं अभी. तो 12 साल से उस कंपनी को खड़े रखना, करना तो आसान था, उसको वैसे रखना, हालांकि 2-4 फिल्में नहीं चली, तो अभी हमने डिसाइड किया है, बड़ी ऑर्गेनाइज है, कि यार एक राइडर फिल्म रखना बहुत ज़रूरी है. कमर्शियल पैरामीटर्स में अगर अच्छी बात कर सकें, चाहे वो चेन्नई है, हैप्पी न्यू ईयर है, ओम शांति होम है, मैं हूं ना है, चलते चलते है, या फिर अब ये दिलवाले है, कहीं पर एक वो ब्लॉकबस्टर फिल्म होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम कोई अच्छी पिक्चरें करें. मेरा एक लाइफ का असूल है कि पहले पोजीशन ऑफ चॉइस में जाओ, फिर चॉइसेस करो. ऐसे ही बैठे बैठे जब पोजीशन ऑफ चॉइस में ही ना हो, चूज़ करते रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ मैं तो ये करूँगा, अरे तुम्हारे पास मुहैया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता तो कैसे करोगे. और जब फिल्में नहीं चलती हैं, मुश्किल आती हैं, तो आप किस मोड में होते हैं? बाथरूम में जाता हूँ, बंद करता हूँ, रोता हूँ 1-2 घंटा. नहीं, हाँ बहुत रोता हूँ मैं यार. अच्छा. हाँ, सामने किसी के नहीं रोता क्योंकि अच्छा नहीं लगता स्टार होता, और फिर मैं सामने आके हंसता ही रहता हूँ, लेकिन 1-2 घंटा जाके ज़रूर होता हूँ मैं. और फिर क्या करता हूँ, मुझे उसने सिखाया था, अपना कौन सा है जो बड़ा अच्छा छक्के मारता है, लेफ्ट हैंडर, क्रिस गेल. तो उसने मुझे सिखाया था कि यार अगर शावर के अंदर जाकर रो तो आंसू भी नहीं मालूम पड़ते. तो मैं शावर के नीचे खड़ा होकर थोड़ी देर रोता हूँ, ऐसे लगता है नहा धो लिया और उसके बाद वापस आ जाता हूँ. बहुत दुख होता है यार फिल्म नहीं चलती तो, बहुत दुख होता है. और नॉट अबाउट द मनी एंड ऑल, बहुत सारे लोग अब हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म नहीं चली, इतनी मेहनत की, सो आई फील वेरी सैड यार. शाहरुख खान के सामने जब एक स्क्रिप्ट आती है, जब उन्हें साइन करना होता है, वो क्या सोचते हैं? कुछ ऐसे फिल्म्स या रोल्स हैं अभी भी जो आप करना चाहते हैं? मैं हर बारी फेज में होता, कभी मुझे मैं कॉमेडी करता हूँ यार, अभी मैंने बड़ी, जैसे मायने में इस खान करने के बाद मेरा ऐसा दिलता है यार मैं कोई एकदम मस्ती करूँ यार इस पिक्चर के बाद. मैं सीधा जाके डॉन बन गया. और मुझे याद है अभी भी जब मैं डॉन के पहला शॉट दे रहा था तो मैं वैसे ही दे रहा था, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि किसी के पास वो फिल्म रेडी है. जैसे अभी मैंने ये फिल्म ख़त्म की, मैं अभी फॉर्चुनेट किसी के पास फ़ैन थी, जो बड़ी अलग किस्म की फिल्म है, तो हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है दोनों फिल्में साथ करना, मैंने कहा चांस नहीं छोड़ता, कर लेता हूँ, बिकॉज वेरी नाइस एंड डिफरेंट फ्रॉम दिलवाले. आप कैसे चुनती हैं फिल्में? I choose a film because honestly, I feel that a good script should be like एक बहुत बहुत ही बेहतरीन किताब की तरह होनी चाहिए. कि जैसे एक अच्छी बुक आए तो मतलब 3-4 बजे सुबह बैठ के बस ख़त्म करना ही, उसको एंड तक पहुंचना ही है. स्क्रिप्ट भी ऐसी ही होनी चाहिए, स्क्रीन प्ले भी ऐसी ही होनी चाहिए, और अगर उसके साथ एक अच्छा डायरेक्टर में मिले जो बता सके आपको, या बात कर सके आपको और बता सके कि ये मेरा विजन है, ये ऐसे बनाना चाहता हूँ, और आपका किरदार ऐसे होगा, और इसे मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा, और ये सीन आप ऐसे कर सकेंगे, तो देन इट्स इवन मोर फन एंड इट्स इवन मोर यू नो यू वांट टू डू इट इवन मोर. सो कभी ऐसा होता है कि ये चूंकि अच्छी टीम है, अच्छा डायरेक्टर है, जो भी करेंगे मुझे तो करना ही करना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया. कभी नहीं हुआ? कभी नहीं किया. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि करण जौहर फिल्म बना रहे हैं, दोस्ती है, हम एक दूसरे का दिमाग भी जानते हैं, रिश्ता भी है, हमें मालूम है वो कुछ ठीक ही लिखेंगे हमारे लिए, तो मैं हाँ ज़रूर कह दूंगा, उसके बाद कहानी सुनूंगा. आदि हैं 2-4, यश जी हैं 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ, अजीज़ मिर्ज़ा है मेरे लिए,
कभी बोले यार कि चल यार बेटा एक पिक्चर करते हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उनसे बहुत लगाव भी है और मुझे मालूम है कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, चाहे फिल्म 200-250 करोड़ वाली हुई नहीं हुई, लेकिन कुछ अच्छी बात ज़रूर होगी और मज़ा आएगा। तो आपके इन्यूमरेबल फैंस हैं, ऐसे लोग हैं जो सवेरे उठते शाहरुख खान की फ़ोटो देखते हैं, आई हैव सीन पीपल जिनके घरों में आपके पोस्टर्स ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं, इट्स दैट क्रेजी। तो शाहरुख खान द एक्टर इतने सारे फैंस को खुश रखता है, पर जब शाहरुख खान से समथिंग इन एन इंटरव्यू और लोग बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं और बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो ऑब्वियसली बहुत पिंच करेंगे, डू यू फील लेट डाउन बाय फैंस? पहले तो मुझे ये मालूम नहीं कि वो फैंस हैं जिन्होंने ऐसा कहा। ये अज्यूम करना कि जो भी कोई बात मेरे लिए अच्छी या बुरी कह रहा है वो फ़ैन ही है, वो लाजमी नहीं है, कोई भी हो सकता है जिसको मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगी। लेकिन कहीं पर इतने सालों से ये बिज़नेस करते हुए मुझे मालूम है मैं पब्लिक फिगर हूँ, लोग मुझे अब सिर्फ एक्टर नहीं समझते हैं शायद, तो उनका लगता है कि यार ये आइडिया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जब वो उसके विपरीत या अलग होता है तो उनका दिल टूट जाता है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहूँगा मुझे और कुछ भी नहीं आता सिवाय अपने काम के, मेरा जो हुनर है, मेरी जो कला है, जितना भी है, इतना है या इतना है, वो सिर्फ इसमें है। उससे ज़्यादा जो मुकाम मुझको दिया गया है ना मैंने वो मांगा है ना शायद मैं उसका हकदार हूँ। और मुझे मालूम है यार मैंने ये बोला उनको लगा यार ये ठीक नहीं है, उनकी आइडिया नहीं यार ये शाहरुख है तो शाहरुख ऐसा होना चाहिए क्योंकि पब्लिक फिगर है या स्टार है या हमको प्यार है या हम उसको जानते हैं। मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो लोग मुझको ऐसा वेव करते हैं जैसे मैं भी मुझे लगता है जानता हूँ इनको, अरे शाहरुख कैसे तो, अरे मैं ठीक हूँ यार। जानते ही नहीं हम एक दूसरे को, लेकिन एक फीलिंग आती है ऐसी। एक सिर्फ चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि शाहरुख खान इस एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी, मतलब हम 3 बजे सुबह आए हैं एयरपोर्ट से, हम जहाँ पे भी गए हैं ट्रैवल किया है हमने, तबीयत ख़राब है, बुखार है, ही विल स्टैंड, ही विल गिव एवरी फैन अ फोटोग्राफ, हर किसी की कदर करेंगे, औरतों को मे ही मेक श्योर के सबके, मतलब कोई ज़्यादा धक्कम धक्की नहीं हो, उनके बॉडीगार्ड्स किसी को किसी को ज़्यादा रूडली बात नहीं करें, मतलब हर तरीके से ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैंस एंड लव्स हिज फैंस डिस्पाइट एवरीथिंग। और एक छोटी सी बात बोलूँगा, जब जन्मदिन होता है पब्लिक फिगर का तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स भेजते हैं और मुझे हर जगह से आती हैं और कुछ बहुत खूबसूरत होती हैं। क्या भेजते हैं वैसे? अरे अजीब अजीब चीज़ें यार, मतलब लोग मुझे बंडाना भेजे सो क्योंकि मैं पहनता हूँ सिर पे, लोग स्वेटर बुनकर भेजते हैं, लोग छोटे छोटे कीचेन्स भेजते हैं, लोग किताबें भेजते हैं, कुछ लोग एक अजीब सी टोपी भी भेजते हैं जिसपे ऐसा लगा जो उन्हें मालूम है मैं नहीं पहनूंगा। और बहुत बहुत सारी गिफ्ट्स ऐसी होती हैं जिनका मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कमरा है घर में, मैं दोनों गिफ्ट्स वहाँ पर रखता हूँ, जिनका यूज़ भी है जिनका यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं से वो हक से और प्यार से है। तो जो आपका सवाल था कि कुछ लोगों को चुभता है और वो बोलते हैं, मैं वो भी रख लेता हूँ, यूज़ नहीं करता उसको बिल्कुल, उसका इस्तेमाल मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्यार से भेजा है तो रख लेता हूँ उसको एक कोने के अंदर। गेरुआ जो रंग है वो एक अलग सेंस में इस्तेमाल होने लगा है अभी हाल के दिनों में, पिछले 2-2.5 सालों में, और आप बहुत चीख चीख कर गा रहे हैं रंग दे मोहे गेरुआ, तो वाकई गेरुआ रंग प्यार का है? आप तो गेरुआ रंग का गाना मत गाना, आवाज अच्छी नहीं है, चीख चीख के गा रहा है तू। बेचारा हरिजीत सिंह, हरिजीत सिंह ने फिर लौट रहा होगा कांचा तो हमारे हाथ, चीख चीख के गा रहे हैं। चीखने का मतलब मेरा है आप बहुत एनर्जी से गा रहे हैं रंग दे मुझे गेरुआ, तो आप बुलंद आवाज करके गा रहे हैं, हरिजीत को चीख चीख के तू पागल हो गया। आपको यकीन है कि, मतलब आप यकीन होने लगा है कि गेरुआ रंग प्यार का है, आप गेरुआ रंग गए हैं वाकई? मैं अगर इसको पैरेट ग्रीन कर दूं, मैं जो रंग बोलूं लोगों को वही रंग प्यार का लगता है। जिनको गेरुआ अच्छा लगता है उनको खुश होना चाहिए कि उनके रंग को मैंने प्यार का रंग कह दिया, बट हैविंग सेड दैट गेरुआ रंग सैक्रिफाइस का है, सैफ्रन, ऐसा मैंने सुना है। तो जब मैंने गाना सुना था तो मुझको ऐसे लगा कि तुम्हारे प्यार में मैं हर कुछ त्याग दूंगा, त्याग का रंग माना जाता है हमारे देश में शायद, जहाँ तक मुझे मेरा इल्म है, हो सकता है मैं गलत हूँ। सो मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगा, मुझे रांझे के साथ उसका जोड़ बहुत अच्छा लगा, बाकी उसकी कोई डीपर मीनिंग नहीं है। मतलब मैं कोट एंड कोट में गेरुआ रख रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं तो ये बातें मैं समझ जाता हूँ। मैं शक्ल से लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं बेवकूफ, और मैं डिम्पल से बातें छुपा लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आई, बट आई मीन इसका मेरे हिसाब से कोई और मीनिंग नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से हर रंग प्यार का होना चाहिए, और आई डोंट नो इज इट द राइट वन, इसके लिए मैं ना बैन हो जाऊँ, हमारे तिरंगे में भी एटलीस्ट हिंट ऑफ गेरुआ ज़रूर है, इफ़ इट्स नॉट एग्जैक्टली गेरुआ,
तो कहीं ना कहीं पर हमारे तिरंगे में जो रंग है वो सभी प्यार के होने चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ हो जाए, और अगर हैं तो मुबारक हो और थैंक यू वेरी मच। आप दिल वाले हैं, दिल्ली वाले भी हैं, इन टॉलरेंस के बारे में आपका नज़रिया क्या है? कि किस किस सिलसिले में आप बात कर रहे हैं इनटॉलरेंस की? सिर्फ शब्द मत बोलिए, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट बताइए तो मैं जवाब देता हूँ उसका। सीधे रूप से बोल रहा हूँ, जो देश के हालात हैं उसमें सहनशीलता के बारे में आपको नजरिया क्या? कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी इनटॉलरेंस है या नहीं है। जो सवाल मुझसे पूछा गया था जिसकी वजह से सब मेरे ऊपर चढ़ बैठे और बातें कर रहे हैं, वो पूछा गया था कि आपको क्या लगता है फ्यूचर जो पीढ़ी है उनके लिए क्या आप बोलेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं कुछ सीनियोरिटी जोन में आ गया हूँ। आप जितना सीनियर नहीं हूँ लेकिन सीनियोरिटी जोन में आ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि मॉडर्ननेस के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए जो अभी बढ़ रहा है और हर साल हम सुनते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, और हालांकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ दुनिया में तो मुझे भी मालूम पड़ता है कि हमारा देश जो है बहुत उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और मॉडर्न टर्म्स में जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी जो 50% हमारी जनता है जो अब 25 साल की है, उनको अगर मैं कोई सीख दे सकूँ तो वही है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और जेंडर कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना करें तो बहुत अच्छा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अब इस वक्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा साफ साफ कहता हूँ, डर गया हूँ मैं यार। सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे देश में, गॉड ब्लेस इंडिया, लॉन्ग लिव अस, लॉन्ग लिव अस इंडियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे साथ किसी ने कुछ इंटॉलरेट नहीं किया है सिवाय इसके कि जब मैं सिगरेट पीता हूँ लोगों के सामने तो बुरा मान जाते हैं, अदरवाइज और वो भी टॉलरेंट ही है बेचारे, मान लेते हैं गलत काम करता हूँ मैं जो कहता हूँ, जो कुछ करता हूँ उसमें कहीं पर भी मैंने ऐसी बात नहीं की है ना मैं कहना चाहूँगा। और प्लीज़ एक दो बेवकूफ़ इंसान अभी भी होंगे कहेंगे कि फिल्म रिलीज़ हो रही है इसलिए कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है और मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है ना मैं ऐसा समझता हूँ। आई थिंक वी आर ऑन द कस्प ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड द बेस्ट ऑफ प्लेसेज अ कंट्री कैन बी, वी विल, वी कैन एंड वी शुड बी अ सुपर पावर, बट स्मॉल लिटिल इशूज आई थिंक फॉर यंगर जनरेशन, आई एम नॉट सेइंग द जनरेशन विच एग्जिस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट राइट नाउ वी आर इनटॉलरेंट, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज अ प्रॉब्लम, और हिंदी में मुझे वो शब्द बोलना नहीं आता तो आप अगर मेरे लिए उसका रूपांतर कर दें, वही इस वक्त है वो बिल्कुल नहीं है यार। मैं बहुत खुश हूँ, खुशगवार हूँ, मैं बहुत देशभक्त हूँ, बहुत पेट्रियाटिक हूँ, नेशनलिस्ट हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो। और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मेरी फिल्म इसकी वजह से देखे नहीं देखे कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहे यार, बट नो वेयर हैव आई सेड एनीथिंग विच इज रॉन्ग। एंड हैविंग सेड दैट, द फैक्ट दैट एवरी टाइम आई स्पीक थिंग्स आर मिसअंडरस्टूड, दिस परहैप्स इज द लास्ट प्लेस एंड द बेस्ट प्लेस इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम, आई शुड से दिस, इसके बाद मुझसे जो सवाल पूछे जाए मेरे छिछोरेपन और फिल्मों पर पूछे जाए तो बेहतर है। मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बातों पर सवाल ना पूछे, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ना सोशल, ना सोसाइटी, ना कास्ट, ना क्रीड, ना पॉलिटिक्स पे, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी आती है, वो भी थोड़ी बहुत आती है अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल, तो मैं वो ही करूँगा, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मेरी बीवी ने मुझे समझा कर भेजा है। थैंक यू, और मैं बीवी की बात मानता हूँ, मैं सारी बीवियों की बात मानता हूँ, अपनी नहीं, मैं इतना अब सहनशील हो चुका हूँ कि अगर किसी और की बीवी मुझे कुछ बोलती है तो मान लेता हूँ। एक और ये साउंड बाइट ये देखिए, ये आपके दोस्त हैं, देखिए क्या कह रहे हैं आपके बारे में। हमेशा शाहरुख खान मुझे एकदम विवादों में फंसाते जाएंगे, वो बोल के निकल जाते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है उनको सपोर्ट करने के लिए। मतलब देखिए क्यों करते हैं आप ऐसा, इससे अच्छी आयरनी क्या हो सकती है, सलमान कह रहा है मैं उसे विवादों में फंसाता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ये तो नहीं आपको फिर और मुश्किल में कर देगा जी? ये नहीं नहीं बिल्कुल, मेरा मैं हमेशा उसके साथ हूँ, मैंने उसे कोई विवाद में नहीं फंसाया और ना ही वो कुछ विवाद में, वो भी ठीक ठाक, मैं सब क्लियर करता हूँ। प्लीज यार ये सब एडिट मत करना, एडिटर कहाँ पे भैया, सब कुछ डालते रहना मेरा, तुम्हें बॉर्डर लगता है आजकल यार। कभी आपको ऐसा लगता है, और मैं यहाँ मरिलिन मनरो की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में जॉर्ज बेल्मो को बताया कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो फेक हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि वो फोनी हैं, और ये भी कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण ज़रूर आते हैं जब ये भाव आता है। एज एन एक्टर कहा था उन्होंने, मैं उनका बहुत कायल हूँ, उनकी बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने जी, उनकी ज़िंदगी बहुत फॉलो की है जी, लेकिन एज एन एक्टर कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक अजीब सी बात कहूँगा कि कभी कभी मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैं जो इमोशन मुझे आता है सचमुच ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कहीं वो रियल है कि वो एक्टिंग है, जो ज़िंदगी हम जीते हैं कि
एक सेकंड के अंदर बोला जाए रो दो तो रो देते हैं, एक सेकंड में बोलो हंस दो तो हंस देते हैं। दिल में बहुत सारी खुशी हो और रोना पड़ता है कभी कभी, दिल में बहुत गम है फिर भी हंसना पड़ता है। समवेयर ये इमोशंस को, मैं इसको कहता हूँ न्यूडिफाई करना, अपने आप अपने इमोशंस के कपड़े उतारना। ये हर रोज़ करते 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 कहीं ना कहीं पर लाइंस जो हैं ब्लर हो जाती हैं कि सच्चाई क्या है, एक्टिंग क्या है, एक्टिंग क्या है, सच्चाई क्या है। एक बार अमित जी ने बहुत सालों पहले बोला था कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कोई असली जगह पर जाकर रोता हूँ तो असली में कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ। आई थिंक हर एक्टर को एक अरसे के बाद कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है। अगर नहीं होती, मैं दूसरे एक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ उसको, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स सो स्ट्रेंज एंड वियर्ड क्योंकि हम एक्टर हैं और अगर हमने किसी चीज़ को देख लिया, लाइक कोई बहुत फूट फूट के रो रहा है, देन समटाइम्स ये थॉट ज़रूर जाता है इन योर माइंड दैट माय गॉड दैट्स अ ग्रेट शॉट, मैंने कुछ देख लिया या मैंने कुछ यू नो कहीं पे किसी को एक अजीब तरीके से हंसते हुए या रोते हुए या कुछ बोलते हुए देख लिया, तो दैट स्टेज इन माई माइंड समवेयर और मैंने सोचा शिट दैट्स अ डैम गुड शॉट, यू नो आई यूज दैट, वो कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर सकूंगी। तो पैसे के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नापसंद है? मुझे लगता है पैसा पेरिफेरल है और शायद मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ तो मेरे लिए कहना आसान है। एक सोच हुआ करती थी कि आदमी पेट से भूखा रहे, परेशान रहे तो रियल आर्टिस्ट होता है। मैं सिर्फ आर्टिस्टिकली बात करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कहीं पर मेरा वही कामकाज है। मैं चाहूंगा हमारे देश के अंदर जो भी नौजवान काम करता है कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल ज़रूर करे। उसके बाद जहां तक मेरा है, मुझे पैसे से लगाव नहीं, ना मुझे ग्रीड है, ना मेरे पास वक्त है उसको इस्तेमाल करने का। और ये पिक्चरें बनाते हैं तो इन्होंने प्रूफ भी दे दिया है। मैं सारा फिल्मों में डाल देता हूँ और मैं चाहूंगा कि मैं उसका ना यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वेल्थ, ट्रू वेल्थ तब आती है अगर उस पैसे का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ ऐसी बनाई जाए जिससे लोगों की जिंदगी टच हो सके। मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मैं वेल्दी होना चाहता हूँ। अमीर आदमी इवन मटीरियल वाइज, सबसे ज़्यादा रिचनेस ये है कि आप एक दुकान में जाएं, दो कमीज़ें देखें और ये ना डिसाइड करें ये अच्छी है कि वो अच्छी है, और आपको लगे दोनों ही ले लेता हूँ यार अभी समझ नहीं आ रहा। उससे ज़्यादा अमीर होना ज़रूरत नहीं है, उसके बाद पैसे के कोई मायने नहीं है। अगर आप दो कमीज़ें लेके आ सकते हैं जो अच्छी ना भी लगे, एक वक्त के बाद पैसे के कुछ मायने नहीं रहते। इतना ज़्यादा मसरूफ होने के बावजूद आप अपनी फैमिली के साथ नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनको एक क्वालिटी टाइम भी देते हैं, तो ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? एक्चुअली मेरे को तीसरी कोई चीज़ आकर्षित ही नहीं करती मुझे। मैं घर चले जाता हूँ या फिर मैं सेट पे होता हूँ, तो अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, उल्टा मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है वो कम टाइम देते हैं मुझको। अब वो बिज़ी हो गए, अभी मैं उनको कहता हूँ यार आ जाओ तो नहीं पापा बड़ा बोरिंग हुआ, अब हम कहीं और जा रहे हैं। सो उसका ही मैंने इलाज सोचा है कि नए नए बच्चे करता रहूँ मैं। फिर डर गया मैं देश की पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ाऊँगा यार। काजोल आपको क्या लगता है कि ये जो नई जनरेशन है बच्चों की, वो आपके जब जनरेशन थी उसके मुकाबले आज ज़्यादा अवेयर हैं इशूज़ के बारे में? हमारे बच्चों के बारे में अगर आप बात करें तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ सो फास्ट कि आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आप रोक सिर्फ एक पॉइंट तक कर सकते हैं, आप उनको सीख दे सकते हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है या ये वर्ड्स गलत हैं और इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सर को इसकी चिंता होती है? ये जो हम लोग आज इन्फॉर्मेशन एज में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन खटाखट आती है, बहुत बड़े वॉल्यूम में आती है। आई थिंक इतना जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन आने से जो लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो आप में हैं, हम सब मीडिया में हैं, कभी कभार हम इस होड़ में लग जाते हैं कि पहले कौन डालता है उसको, हम उसको एनालाइज चेक और रीचेक नहीं करते। इन्फॉर्मेशन होना बहुत बढ़िया बात है, सही इन्फॉर्मेशन होना उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात है। इस शो में नॉर्मली हमारे साथ नेता लोग आते हैं, वो पत्रकारों को ज़रूर ज्ञान देते हैं, आपने भी दे दिया, आपका धन्यवाद। मैं नेता, अभिनेता, सब कुछ, मैं डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर भी हैं। हाँ भी, इनको खुद का इलाज करना चाहिए, जुकाम हो गया इनको। कि ये कहा जाता है कि अजय देवगन नहीं चाहते कि आप काजोल के साथ फिल्म करें, और कई बार आप अजय देवगन के सामने अपनी फिल्म ले आते हैं, अदालत का मामला चला जाता है, और अब तो आपने उनके डायरेक्टर को भी छीन लिया, रोहित शेट्टी को भी अपने साथ ले चले, ऐसा क्या वजह? कोई अजय के साथ आपकी कोई बैर है, कोई पुराना, या क्या है? आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज शाहरुख एंड अजय देवगन किसी पार्टी में पीते हुए नहीं दिखाई दिए, ये पीने का चक्कर देना पड़ा होगा या क्योंकि एक पार्टी पे नहीं दिखाई दिए, या दे आर नॉट सीन, या तो कोई पिक्चर नहीं कर रहे हैं एक साथ, या कहीं पे कोई ओकेजन, पब्लिक ओकेजन पे मिले नहीं हैं और हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, इसका मतलब नहीं है कि दे आर एनिमीज। दिलवाले एक्चुअली मैं करने नहीं वाली थी,
बिकॉज इन्होंने आउटडोर के डेट्स इतने दिए थे तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उसके साथ एक्चुअली कि यू नो मैं आउटडोर करूँगी कैसे करूँगी, इतने दिन बच्चों को छोड़ना है घर पे, फिर उनकी पिक्चर भी शुरू हो रही थी. तो एक्चुअली उन्होंने ही टर्न अराउंड एंड टोल्ड मी, ही सेज यू नो टेंशन मत लेना, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, मैं घर पे, मैं अपनी डेट्स चेंज करके मैं घर पे रह जाऊँगा. तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ शोज दैट देर इज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ टू वॉट यू आर सेइंग. मैं और अजय दोनों बहुत अनसोशल हैं, ऐसा ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते, लेकिन जब मिलते हैं बहुत तमीज़ से मिलें, बहुत प्यार से मिलें, अदब से मिलें. तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म साथ में आ गई तो झगड़ा हो गया. या एज अ प्रोड्यूसर वो जो बिजनेस की बातें होती है वो होती रहेंगी. संजय लीला बंसाली जी के साथ आपने की थी देवदास, लेकिन उसके बाद आपने जो है अगली पिक्चर करी सांवरिया. सांवरिया फिल्म उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही रिलीज हुई, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम और सेम डे रिलीज थी. क्या मजबूरियां रहीं, क्या रही कि दूसरी बार आपको बाजीराव मस्तानी के सामने ही अपनी फिल्म लानी पड़ी? हमारी जो फिल्म है वो ऐसे फैमिली एंटरटेनर क्रिसमस हॉलीडे पीरियड की फिल्म है. और कई बार लोग जो हैं ऐसी एक डेट अनाउंस करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में प्रथा है. मुझे नहीं लगता अनाउंसमेंट से कुछ ओनरशिप हो जाती है. कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने बोल दिया है मेरी पिक्चर ईद को आ रही है, आदि ने बोला और सलमान ने बोला हमारी भी आ रही है, वेरी गुड. मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, ये गलत बात है यार, बिल्कुल ठीक है, तुम भी आओ हम भी आओ. आपने पिछले दिनों कहा एक इंटरव्यू में कि आप अपने बच्चों के लिए 5 फिल्में बना के छोड़ना चाहते हैं और उनमें से अभी तक एक भी नहीं बना पाए. मैं चाहूँगा कि मैं जब तक काम कर सकता हूँ एज एन एक्टर, मैं कोई ऐसी फिल्में बनाऊँ जो मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएँ और वो अपने बच्चों को बिठा कर वो फिल्म दिखाएं, तो वो जो बच्चे हैं वो बोले यार ये तो बहुत दूरदर्शी हूं मैं, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, बहुत ज्यादा दूर. बट आई थिंक वो मुझे चाहिए कि वो लोग कहें कि यार ये इररिलेवेंट नहीं है. और कहीं ना कहीं एक दो तो बन जाएंगे अगर 5 नहीं भी बनी तो. म्यूजिक कितना रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, कितना आता जाता है? मुझे म्यूजिक की ज्यादा समझ नहीं है, गाना मुझे आता भी नहीं है, गाना भी नहीं आता है. मेरा बहुत तमन्ना थी यार कि मैं म्यूजिक सीख जाऊं. अभी भी मेरी एक वो जो लिस्ट होती है ना उसमें कि गिटार बजाना सीख जाऊं, 10 गाने सीख जाऊं, कि मेरी तमन्ना है मैं दुनिया की हर औरत को गाना सुनाऊं, जहां पर भी मिलूं, जिधर भी मिलूं, जो उम्र हो उनकी, 80 साल से 8 साल की उम्र. नहीं मैं नहीं चीख रहा था, अरिजीत है, मैं तो बड़ा अच्छा गाऊंगा. और मुझे नहीं समझ है म्यूजिक ये बहुत बहुत खराब है, क्योंकि ये बहुत अच्छी म्यूजिक मैं सिलेक्ट लेता रहता हूं. जितने भी जगहों पे गए हैं इनका म्यूजिक सेंस, इनकी लिस्ट अगर देखो तो उनको ही पता नहीं है कि कौन से गाने हैं उनके लिस्ट में. अच्छा रियली मैं इनसे पूछता हूँ, बोलिए हर फिक्र को धुएं में उड़ा, अच्छा बहुत अच्छा गाना, अभी ना जाओ छोड़ कर. दिस वाज नॉट ऑन योर लिस्ट. तूने समझ नहीं आया तेरे को क्या नाम लिखा हुआ है वहां पर. दिस वाज नॉट ऑन योर लिस्ट. हम जब भी म्यूजिक ऑन करते हैं कहीं पे तो सब बाकी सबके आईपॉड ऑन होते हैं, आपका नहीं होता ऑन. तो जवाब मिल गया आपको, म्यूजिक के बारे में मुझे बिल्कुल समझ नहीं. क्या आपने ये कहा कि मेरा जो स्टारडम है वो तब तक बना रहे जब तक मेरा बेटा स्टार ना बन जाए? नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा कभी नहीं कहा. मैं तो अपने बेटे को भी मेरे मुकाबले में तो मैं उसको स्टार ना बने तो किसी को ना बनने दूं मैं. जहां तक मेरा कहना है दूसरे के बेटे बन सकते हैं, मैं सिर्फ अपने बेटे की बात कर रहा हूं लोग. बट नहीं मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा. मैं कोशिश करता रहता हूं, या मैं काफी चीजें मजाक में कहता हूं, अगर लोग थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर से ले तो समझ जाए. मैं ऐसे वो जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो. मैं मजाक से बोलता हूँ, मेरी बात के मायने दो इसको, कोट अन कोट मत करना. हाँ मतलब ऐसा गेरुआ मत बना देना इसमें. बट मेरा ऐसा ही है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छा काम करता रहूँ. और अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, देखते देखते पता भी नहीं चला, आधी जिंदगी दिल्ली मुंबई खत्म भी हो गया मेरा. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप ऑन वर्किंग टू मेक पीपल स्माइल, उनको थोड़ी सी खुशी बांट सकूँ. जो खुशी इस वक्त यहाँ बैठे हुए एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास लड़के को इस देश ने, इस दुनिया ने दी है, मैं ये चाहूँगा, ये दुआ करूँगा कि हर किसी को वो खुशी मिले. और मेरे काम के थ्रू मैं अगर थोड़ी बहुत वो बांट सकूँ तो मुझे लगेगा मेरी जिंदगी सफल होगी. स्टारडम वाडम आता जाता, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं. और ये दौर है रैपिड फायर का, देखना है 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं. आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक चुनना है. और एक और ऑप्शन है, आप कह सकते हैं पास, यानी आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते. और अगर आप पास कह देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, मैं आपके पीछे नहीं पढ़ने वाला हूं. और 5 में से 3 जवाब आप सही देंगे तो हैम्पर मिलेगा, गिफ्ट ये एबीपी न्यूज की तरफ से आपको मिलेगा. चलो तो सभी नेताओं की निगाह यहां होती है, देखते हैं फिल्म स्टार कैसे रहते हैं. ठीक है, हम झूठ भी बोलेंगे लेकिन आंसर सारे दे देंगे. काजोल आपसे शुरुआत करते हैं, आप तैयार हैं? जी.
अगर दिलवाले हिट होती है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, शाहरुख खान को या रोहित शेट्टी को? शाहरुख खान को। चलिए, आपने जवाब दे दिया और बहुत जल्दी दे दिया। DDLJ और दिलवाले, इन दोनों में से ज्यादा रोमांटिक फिल्म कौन सी है? DDLJ और दिलवाले। हाँ, DDLJ। तू तो जीत गई। तू तो जीत गई ऑलरेडी। तीसरा सवाल नहीं, तीन जवाब देने। हाँ, एक और रहता है अभी। आपके लिए अच्छे को स्टार कौन रहे, शाहरुख खान या आमिर खान? शाहरुख खान। चलो, हो गया ना यार ये तो। अजय, यू डोंट टेक माय नेम ना, यू हैड इट। हर आंसर के लिए तेरा तू चॉइस में नहीं भी होगी तो जवाब काजल। अजय देवगन की जख्म और सिंघम कौन सी पसंद है आपको? जख्म। यार तू 100/100 हो गए तेरे तो, यार जो रिकॉर्ड ब्रेक करने लगी है। पीके तो नहीं आई? पीके। दिलवाले की बात कर रहे हैं, दिलवाले की बात कर रहे हैं। अगर आपको आखिरी फिल्म में रोल करना हो, उसमें अगर आपको मौका मिले कि मैं अपना हीरो चुनूं, तो आप किसको चुनेंगे, शाहरुख खान को या अजय देवगन को? अजय देवगन को। यार ये तो आसान सवाल पूछे आपने यार। पांच में से पांच आपने, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया इसका मतलब। कांग्रेचुलेशंस यूसेन बोल्ट। इन्होंने तो पांचों जवाब दे दिए, अब आपकी बारी है शाहरुख। तो पहला सवाल, अगर दिलवाले हिट होती है तो उसका क्रेडिट काजोल को जाएगा या रोहित शेट्टी को जाएगा? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, नहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्रेडिट जो है ना हीरो या हीरोइन को ही चले जाता है, डायरेक्टर बेचारा पीछे रह जाता है, तो काजोल को ही जाएगा। मैं सोच रहा था कि आप कहेंगे कि मुझे ही जाएगा। नहीं, मुझे तो जाएगा ही जाएगा। मैं तो, मेरा तो मतलब ये कन्फर्म्ड है, ये बेचारे सब लुखे घूमते रहेंगे, मंडे को कहेंगे शाहरुख खान की पिक्चर हिट हो गई, चाहे मेरा उसमें कैसा भी रोल है। ये अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट बात है, आधा स्टार्डम तो इसी वजह से मेरा। आपको कौन सी फिल्म ज्यादा रोमांटिक लगी, दिलवाले या DDLJ? DDLJ, वो रोमांटिक, वो पूरी ही रोमांटिक फिल्म। आपको कौन ज्यादा पसंद है, सलमान खान या आमिर खान? सलमान खान। आपको कौन ज्यादा पसंद है, दीपिका या प्रियंका? ज्यादा यार तो मुश्किल चॉइस दे रहे हो। पास। नहीं, मैंने ज्यादा काम किया है, या पास ही कर दूं, बाद में झगड़े होंगे। पास। काजोल 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 काजोल। तू जीत गई तू। आखिरी सवाल, रोहित शेट्टी या फराह खान? इसमें काजोल नहीं बैठेगा? नहीं। तो रोहित शेट्टी, फिल्म रिलीज हो रही है यार। रोहित। ठीक, मैं आप दोनों को ये दे रहा हूँ एबीपी न्यूज की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे भी नहीं, अगर तीन दे दो तो मिलता ही मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई होप द गिफ्ट इज वर्थ इट। ये बड़े खराब लोग हैं, ये बड़े खराब लोग हैं। पहले गिफ्ट खोल के देखेंगे, बोले दूसरा लाओ। बेसन के लड्डू, उसका उसका मुझे दे दो। बेसन के लड्डू तो नहीं दे, सिर्फ दिल्ली बुला के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।